जॉनरा हमारी दिलो दिमाग में छप जाती है तो कोई और जॉनरा देखने का मन ही नहीं करता। देखेंगे तो इसी टाइप और इसी कॉन्सेप्ट का। तो आज के रिव्यू में हम ऐसे ही टॉप 7 अब तक की सबसे बेहतरीन लाइक गेम ऑफ थ्रोन जैसी हिस्टोरिकल वार ड्रामा सीरीज लाए हैं। वार ड्रामा सीरीज में अगर आप शुरुआत के कुछ एपिसोड में पेशेंस रख कर देख लिए तो कुछ टाइम के बाद सीरीज से ऐसे चिपकोगे कि पूरा वार देख कर ही छोड़ोगे। आपको तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक आप इसके एंडिंग देखना लो कि आखिर इसका अंत क्या है। तो आज ऐसे ही टॉप क्वालिटी कंटेंट लाए हैं और खुशी की बात है इसके बोनस सीरीज जो हमेशा की तरह नेक्स्ट लेवल की होंगी, जिसे आप चाहकर भी मिस मत करिएगा। बस आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहा है आप लोगों से, आप लोग वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और भरोसा रखिए क्वालिटी कंटेंट ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए हिस्टोरिकल वार की दुनिया में चला जाए। नंबर 5 की सीरीज, अगर आप एक सिंपल सी स्टोरी के साथ एक मिशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये सीरीज को एक ट्राई दे सकते हैं। 2020 की नेटफ्लिक्स की तरफ से ड्रामा एडवेंचर सीजन 1 ओनली 6 एपिसोड के साथ द लेटर फॉर द किंग। जिस तरह से ये सीरीज के नाम है उसी तरह से सीरीज की स्टोरी भी है। ट्यूरी जिसे नाइट वॉरियर बनना है, जिसके लिए एक मिस्टीरियस लेटर को किंग तक पहुंचाकर उसे अपने आप को साबित करना होगा। आपको सीरीज में देखना है कि क्या ट्यूरी अपने मिशन को कंप्लीट कर पाता है, आखिर उस लेटर में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया को बचा सकता है। सीरीज बच्चों को नजर में रख के बनाया गया है, जिसके वजह से ये सीरीज बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। बस ज्यादा एक्सपेक्ट लेकर मत देखिएगा, इसके एंडिंग डिसअपॉइंट करेगा लेकिन फिर भी इसके स्टोरी लाइन के लिए वन टाइम मस्ट वॉच सीरीज है। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, एक ट्राई देकर देखिए, आपको मजा आएगा। नंबर 4 की सीरीज कुछ हटकर यूनिक एंड फ्रेश स्टोरी लाइन और दिमाग सुन कर देने वाली मिस्ट्री के साथ 2014 की 5 सीजन वार ड्रामा के साथ आउटलैंडर। सीरीज वार ड्रामा होने के बावजूद भी सीरीज की स्टोरी इंटरेस्टिंग और यूनिक रखने की कोशिश की गई है। सीरीज की स्टोरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रह चुकी नर्स पे फोकस्ड है। कहानी का ट्विस्ट तो तब आता है जब क्लेई एकदम से 1743 की मिस्टीरियस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। उसके बाद से सीरीज देखने का इंटरेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। वो कैसे आप सीरीज देख कर पता लगाइए कैसे उस मिस्टीरियस दुनिया में अपने आप को सर्वाइव करती है, उन्हें किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जो ये सीरीज आपको आउटस्टैंडिंग तरीके से दिखाती है। ऐसी सीरीज को मिस मत करिएगा, इस सीरीज को इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज, अगर आप पार्ट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी के बैटलशिप वार और उसके कॉन्सेप्ट के फैन हैं तो ये सीरीज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस कराएगी। अगर पार्ट्स ऑफ द कैरेबियन का कोई सीरीज बनता तो इसी तरह ही बनता। 2014 की टोटल 4 सीजन के साथ ब्लैक सेल। नंबर 3 की सीरीज एपिक बैटल वॉर, एपिक स्टोरी लाइन, एपिक इमोशन, माइंड ब्लोइंग सिनेमेटोग्राफी के साथ 2010 की वार ड्रामा 3 सीजन टोटल 33 एपिसोड के साथ स्पार्टस। सीरीज की स्टोरी एक वॉरियर अपनी और अपनी लोगों की आजादी पाने के लिए पूरे रोमन अम्पायर से लड़ जाता है। सीरीज की सबसे खास बात है इसके बैटल सीक्वेंस, इसके ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग और ऊपर से सारे कैरेक्टर की माइंड ब्लोइंग एक्टिंग सीधा आपके दिल में छप जाएगी, जिसके वजह से आप एक एक कैरेक्टर से इमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो पाते हो। अगर आप 300 जैसी मास्टरपीस मूवी के एक्शन एपिक सिनेमेटोग्राफी के फैन है तो ये सीरीज आपके लिए उस लेवल का एक्सपीरियंस कराएगी। बस खटकेगी तो इसके इंग्लिश में होना, लेकिन फिर भी अगर आप सीरीज से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये सीरीज आपकी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगी। इस सीरीज को एक ट्राई दीजिए, Amazon Prime Video पे इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज वाइकिंग फैन के बीच ये सीरीज इतनी पॉपुलर है कि वाइकिंग पैरिस वर्जन के भी नाम से जाना जाता है। स्टोरी तो सिमिलर नहीं कहेंगे पर मिलता जुलता जरूर कहेंगे, या फिर वाइकिंग का दूसरा पहलू। अगर आप वाइकिंग सीरीज को देख के खत्म कर चुके हैं तो उसके बाद ये सीरीज आप देखिए, आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस कराएगी। 2015 की नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है हिस्टोरिकल वार ड्रामा के साथ द लास्ट किंगडम। सीरीज
इसकी स्टोरी सिंपल वे में बताए तो लीड कैरेक्टर आर्थरो जिसे अपना किंगडम हासिल करना है, इस जर्नी में उन्हें किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, किस हद तक जाता है, ये सब इतने ब्यूटीफुल तरीके से हमारे सामने रखा है कि एक सीजन के बाद आपको दूसरा सीजन स्टार्ट करना ही पड़ता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस सीरीज के 4 सीजन देखने के बाद आप बेसब्री से इसके 5 सीजन के लिए इंतजार करोगे। इस लेवल का आपको सस्पेंस छोड़कर जाती है सीरीज। सीजन 1 और 2 इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल और 3 और 4 हिंदी डबिंग के साथ आप देख सकते हैं। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक की सबसे बेस्ट और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप दुनिया की सबसे बेस्ट सीरीज को मिस कर रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि किस लेवल का होगा। 2011 से अब तक टोटल 8 सीजन वॉर ड्रामा के साथ गेम ऑफ थ्रोन। जैसे कि हम आपको शुरू में ही बताया, इस सीरीज को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, बस देख डालिए इस सीरीज को। नंबर 1 की सीरीज अगर कोई गेम ऑफ थ्रोन जैसी सीरीज को टक्कर दे सकता है तो वो है नंबर 1 की सीरीज। गेम ऑफ थ्रोन के बाद सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला सीरीज टोटल 5 सीजन वॉर ड्रामा के साथ वाइकिंग। वाइकिंग का मतलब ही होता है लुटेरा। सीरीज की स्टोरी इसी पे बेस्ड है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं, जिस देश को ढूंढते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ लूट कर ले आते हैं। जिस तरह से हम इस सीरीज की सिंपल स्टोरी बता रहे हैं, उससे कई ज्यादा इम्पैक्टफुल सीरीज है। वो कैरेक्टर की एक्टिंग, वो ट्विस्ट एंड टर्न, बड़े बड़े वो वार सीक्वेंस, एकदम किसी फेवरेट कैरेक्टर की मौत, आपको ये सीरीज इमोशनल लेवल पर हिट करेगी, आपके दिमाग में घुस जाएगी। बात करें नेगेटिव पॉइंट की तो सीजन 1 कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए समय लेती है। अगर आप पेशेंस रखकर देखिए तो ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन की जगह ले सकती है। और दूसरी बात, मेरी मानिए तो सीजन 6 देखिएगा ही मत, सारे कैरेक्टर बिखर गए हैं। बाकी 1-5 सीजन आपको हाईएस्ट लेवल का एक्सपीरियंस कराएगी। सीरीज स्ट्रिक्टली 18+ है, इसे आप हिंदी में देख सकते हैं। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।